तो आर्य हमारे वंश का ही सत्यानाश कर देगा। हे धन्नो, आज आर्य को जो मौत दूंगा उसे देखकर हमारे वंश रहने तक हमारे साये से भी पुलिस डिपार्टमेंट डर कर कांपेगी। हिम्मत रख बेटे। आना, तेरा आना जैसे खुश शिकार शिकारी के पास आता है वैसा ही है। तेरे पास पुलिस का पावर है, इतनी पुलिस फोर्स है, हमें सपोर्ट करने वाली जनता, तुम्हें और तुम्हारी गवर्नमेंट को डराकर चलाने वाला हमारे गुंडे राज में कितनी ताकत है ये हम तुझे दिखा कर रहेंगे। सिटी के एक सर्किल के एसीपी होने के बाद तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत? स्टेट और सेंट्रल दोनों को संभालने वाला मैं हूं तो मुझमें कितनी हिम्मत होगी? हाँ? अरे तुम सब खड़ खड़ क्या देख रहे हो, जाए काट दो से। पिताजी आप क्यों आए इधर? मेरा बेटा कितना महान काम कर रहा है यही अपनी आंखों से देखने के लिए आया हूँ। समाज की रक्षा करने के लिए, हमारी हिफाजत करने के लिए हमें पुलिस की जरूरत है। इन गुंडों के साथ मिलकर इस ईमानदार ऑफिसर को मारना चाहते हो? तू कैसा इंसान है? मेरा बेटा ऐसा कमीना गुंडा होगा ये जानती तो मैं जन्मदिन से पहले मार डालती। तुम जैसे मूक बेटे को पाल पोस कर अभी तक हम जिंदा हैं, ये हमारा भाग्य है। आर्य को मारने से पहले हमको मार डालो, तुम मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। मार रे, काट डाल। ए, घर वालों की बात सुनकर खड़के हो गए, पहले उसका सर काट दो। ए, तुम लोगों का यजमान बोल रहा हूँ, उसको मार डालो नहीं तो तुम बेकार में मारे जाओगे। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान क्यों दूँ? शाबाश बेटा, अब तू मेरा असली बेटा है। तू कैसा राक्षस है, अब तक हमारे बच्चों को मूर्ख बना रखा था, अपने स्वार्थ के लिए हमारे बच्चों को मरवा रहा था, खून की नदियां बहा रहा था। तू मर और तेरे बच्चे मरे, तेरा पूरा खानदान मरे। ए, हाथी जेकर, मैंने अब तक कितने हाथ काटे, कितने पांव काटे, कितने सर काटे, मेरे से ज्यादा तुम जानते हो। तुम सब लोग आर्या को सपोर्ट कर रहे हो तो क्या मैं डर जाऊंगा डरपोक? ए, पहले तुम लोगों को काट कर फेंकता हूँ, उसके बाद आर्या को। काटेगा क्या? आ, काट के दिखा। तेरी औकात मैं जानता हूँ, इनकी सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं उखाड़ सकता है। इतने दिन जनता तुझे देख के नहीं डरती थी, तेरे पीछे ये लोग तमंचा और हथियार लेके घूमते थे ना, इनको देख के डरती थी। ए, इन लोगों की सपोर्ट के बिना तू एक कदम चल के दिखा सकता है? बाजार जाने के लिए इनकी जरूरत है, मंदिर जाने के लिए इनकी जरूरत है, और गुंडागर्दी करने के लिए भी इनकी जरूरत है। इतना ही क्या, जब तू अपनी बीवी के साथ घर के अंदर सोता है तो बाहर रखवाली करने के भी ये चाहिए। तू
तेरे इस जन्म को तू गुंडागर्दी कहता है क्या? ए गोवर्धन पाल, तुम्हें उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के पुलिस वाला नहीं बना हूँ, कॉर्पोरेशन स्कूल में पढ़ के पुलिस वाला बना हूँ। अबे साले, अगर आज भी मैं खाके उतार के हाथ में तमंचा पकड़ लूँ ना, तुझसे ज्यादा रोडिज्म कर सकता हूँ। अगर पूरे शहर की मैं गिनती करता हूँ तो तुम कितने रहोगे उसमें? जेब कतरे, गुंडे, ये एरिया, वो एरिया, वो मोहल्ला, सब मिलाकर देखो तो टोटल तुम्हारी गिनती कितनी? 5,000 होगी। तुम लोगों को सजा देने के लिए हम 1 करोड़ लोग हैं, जानते हो? तुम बड़े हो या हम बड़े हैं? रिस्ट्रिक्शन अगर नहीं होती तो हम पूरा भारतवर्षी अगर एक साथ मिल जाएंगे, हम तुम्हारा खात्मा कर सकते हैं, तुम्हारी जड़ें तक उखाड़ देंगे। तुम्हारी तरह गवर्नमेंट को और पुलिस को अपनी गुलाम समझकर ये करूंगा वो करूंगा बोलने वाला वीरपन का क्या हाल हुआ था? बीच सड़क में कुत्ते की तरह मारने वाला हमारा इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट ही था, उस प्रणाली में तेरा नाम कहां पे है? ए, जब देखो हाथ काटूंगा पांव काटूंगा, कहते हैं ना, काट के दिखा बे, देखता हूं। आज इतिहास में एक नया पन्ना लिखेंगे, गुंडों के हाथों से पुलिस वाला मारा इतिहास हो जाएगा, नहीं तो इस आर्या के हाथों से गुंडागर्दी मिट गई ये इतिहास बनेगा। उठा ले तमंचा, उठाना।